टाइम हो रहा है 8:10 है और यहाँ पे बाइक पे अपने बैग लोड कर दिए हमने, बस हेलमेट और ग्लव्स पहनने फिर निकलते हैं। और भाई इस वाले होटल में रुके थे हम, होटल विनायक में, रूम अच्छे थे, बहुत प्यारा रूम था। 800 रुपये में हमें रूम मिल गया, 1200 बताया था भाई ने, 800 में कर दिया फाइनल। जैसे ये होटल है और यहाँ पर मिलती है एक थाली, 120 रुपये की एक थाली है भाई, क्या ही खाना। ऐसा नहीं लग रहा कि हम बाहर है, ऐसा लग रहा था भाई बस घर में ही खाना खा रहे। छाछ वगैरह एक ही थाली में, छाछ पापड़ 8 रोटी और चावल, 3 तरह की सब्जी, दाल वाल, मतलब बहुत आइटम था, चटनी वगैरह बहुत प्यारा लगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो सारे सारे, उम्मीद है करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। अगर मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो सब बढ़िया ही होंगे। मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो गाइस मैं अपने नए प्यारे भाइयों को बता देता हूँ, जो नए हैं मेरे प्यारे भाई, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आज से वीडियो देख रहे हैं भाई उन्हें बता देता हूँ। मैं कर रहा हूँ नोएडा टू गुजरात की राइड 3500 किलोमीटर अपनी लोड स्प्लेंडर पर। वैसे तो 2 लोड स्प्लेंडर हो गई है इस राइड में। आज हमारी राइड का डे 10 है भाई, डे 10 मतलब 10 दिन हो गए मैं घर से निकले, आज 10वां दिन है। और अभी हम निकल रहे हैं, पहले पाली में एक मंदिर है, ओम शिव टेम्पल बना है भाई, बहुत नया, मतलब अभी 15 या 16 तारीख को उद्घाटन हुआ है फेब में, 24 को निकले थे, आज हो गई 3 मार्च, अभी 15-16 तारीख को उद्घाटन हुआ है उसका मंदिर का। तो आज उस मंदिर को कवर करेंगे, 10 से 15 किलोमीटर है अभी मंदिर, फिर आगे निकलेंगे अपने जयपुर अजमेर वगैरह उधर जाएंगे और देखेंगे वहाँ आज स्टे करेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से, बाइक पे बैग लोड है, हेलमेट और ग्लव्स पहने और चलते दोनों बाइकों को लेके। इस होटल में रुके थे भाई, रुक जाना मेन रोड पे ही है, ये मेन रोड सीधा हाईवे पे जाती है और हाईवे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर होगा, बस इतने ही अंदर आए थे कि होटल अपने को मिल गया था। यहाँ पे होटल्स तो काफ़ी ऊपर बहुत कॉस्टली थे उधर, वैसे तो होटल्स तो उधर बहुत है बट उधर खाने पीने का आइटम नहीं था इसलिए हम वहाँ नहीं रुके। मैंने चलो थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पता खाने खाने का भी मिल जाए और होटल भी मिल जाए। तो होटल यहाँ मिल गया था और खाने का वहाँ पे मिल गया था, ये 2-4 दुकान छोड़ के ना। और भाई कल बारिश मिली थी ना, बारिश में क्या ही हाल हो गया अपनी बाइक का भी और अपना तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था भाई। खैर बाइक से ज़्यादा बुरा हाल क्या ही हुआ होगा हमारा, बाइक का तो बहुत बुरा हाल था, बहुत बारिश मिली थी और बारिश के साथ रोड पर जो मिट्टी होती है ना यहाँ की, राजस्थान की, गुजरात की, बाइक का वो अराउंड दे देता हूँ मैं आपको, ये देखो क्या हालत हो गई। और अपने जूते आज मैंने कपड़ा वपड़ा मारा लो, ये पजामा वगैरह सारा साफ़ किया है, वरना भाई बहुत गंदे हालत हो गई थी, बहुत ही गंदी। तो बैठते बाइक पे और चलते हैं, फिर निकलते हैं इधर से, ले लेना वापसी। मैं नहीं लगा रहा मैप, मैंने रख लिया फ़ोन। तो नाउ वी आर रेडी टू मूव अपनी लोड स्प्लेंडर लेके, कल अपने बाइक में सर्विस भी कराई थी हमने क्योंकि 300 रुपये मात्र 300 रुपये में हो गए, बस वॉशिंग नहीं हुई है। बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई ठंडा हो रहा मौसम यहाँ तो, रात भी ठंड हो रही थी, सुबह नहाया नहीं गया भाई ठंडे पानी में, हल्का सा गरम चलाने ही पड़ा, बिना नहा के मैं चलता नहीं हूँ भाई, बहुत ही कम, रेयर ही है जो मैं चलता हूँ बिना नहा के, नहाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम पाली डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे भाई बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है इसमें बहुत सारे शहर आते हैं, मतलब बहुत सारे गाँव आते हैं भाई, बहुत तक बढ़िया बढ़िया गांव है। और इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी अच्छी जगह भी है घूमने की, जो भाई हमें कल जो सब्सक्राइबर भाई हमें कल मिले थे शाम रात में, वो भाई भी बता रहे थे भाई बहुत प्यारी प्यारी जगह पाली डिस्ट्रिक्ट में घूमने के लिए, कब नेक्स्ट टाइम आओ ना तो बता के आना, हम सब आपको घुमाएंगे, फाइनेंस का काम करते हैं भाई वहीं, ठीक है भाई जब आएंगे जब आपको बताएँगे तो आपके साथ घूमेंगे भी।
मनाली और जयपुर वाला हाईवे है ना, उससे सिर्फ 2 किलोमीटर अंदर जाके विनायक होटल था हमारा। और ये आ गए हम हाईवे पे, और यहाँ से शिवम टेम्पल है लगभग मान के चलो 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है, मतलब होटल से 15-16 दिखा रहा था, हाँ 12-13 के आसपास है। और वो इंडिया का सबसे बड़ा शिव ओम शिव टेम्पल है भाई, ओम शिव। और उसकी डिटेल क्या है वो हम आपको वहीं जाके बताते हैं पहुँच के पहले। वैसे 15-16 तारीख को खुल गया था मंदिर। और जयपुर है 301 किलोमीटर, अजमेर है 169 और मेवाड़ है 111। जय हो सूर्य देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप निकले। जय हो वीर बजरंगी, जय हो आपकी बहुत बहुत जय हो। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड में ओम शेप का, शेप SHAPE, ऐसा टेंपल अभी तक बना ही नहीं कहीं भी। 4 मंजिले तो वैसे बना रखे, 4 मंजिल बना रखे। राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट में जार्डन टाउन पड़ता है, उसमें है ये मेन रोड पे ही भाई, मेन हाईवे पे जो हाईवे आ रहा है ना पीछे देख रहे हो, रोड मेन रोड पे ही है, मेन हाईवे पे। तो भाई मैप पे भी है वैसे, तो मैप पे आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। चलो हाँ आपको दिखा दे कुछ ड्रोन शॉट। अभी हाँ हम पहुँच गए हैं, सुबह के बजे 8:30। साहब ये देखो नंदी जी को प्रोटेक्ट करके पूरा अच्छे से कवर करते हैं, बढ़िया लग रहे हैं नंदी जी, बहुत ही बढ़िया भाई। जय हो नंदी महाराज, और प्रोटेक्ट करा हुआ है भाई शीशे से चारों तरफ से। शिवलिंग के पीछे जो ये मूर्तियाँ हैं ना, कोई भी एक जैसी नहीं है, 1008 मूर्तियाँ हैं। और देखो भाई एक भी मूर्ति सेम नहीं होगी, सारी अलग अलग होंगी, सारी अलग अलग। और ये शिवलिंग कितना ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा शिवलिंग। सुबह सुबह दर्शन हो गए, अब अपनी राइड सक्सेसफुल रहेगी, बढ़िया रहेगी, मज़ा आएगा, बहुत ही प्यारा शिवलिंग। मंदिर के नीचे शिवलिंग के जस्ट नीचे भाई ये स्टैचू, मतलब कोई गुरुजी है, कौन से गुरुजी है वो तो हमें पता नहीं,
बाकी यार क्या ही झूमर लगा पड़े हैं, बहुत तगड़ा मंदिर बनाया हुआ भाई। अभी फिलहाल दर्शन नहीं कर सकते हैं, और ये कोई गुरुजी है, सबसे खास बात सेंसर वाला गेट लगा भाई, स्लाइडिंग वाला सेंसर वाला। तो बाहर आ चुके हैं, अपने हेलमेट हम यहीं छोड़ गए थे। भाई ये देखो मधुमक्खी के छत्ते कितने सारे हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओम शेप टेंपल में। इसमें जो प्रतिमा लगी हुई है 1008 प्रतिमा लगी हुई है, जो शिवलिंग के पीछे लगी हुई है, जो मैंने आपको दिखाई है वीडियो में। 108 इसमें रेसिडेंटल रूम है, जिसमें टूरिस्ट आके रह सकते हैं, अपना स्टे ले सकते हैं। बहुत बड़ा मंदिर बनाया भाई। ड्रोन शॉट, ड्रोन हमारे ज़्यादा हाइट तक नहीं जाता, तो इसलिए ड्रोन शॉट थोड़े कम ही आए हैं, पूरा ओम नहीं दिखा पाए। बाकी कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर से उड़ाएंगे, और मैं फ़ोटो लगा देता हूँ, फोटो देख लेना साइड में। तो इस तरह की शेप में बना हुआ है पूरा मंदिर, बहुत ही प्यारा सुंदर, बहुत ही सुंदर भाई। अंदर तो और भी ज़्यादा सुंदर है, जाके आओ विज़िट करो यहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा भाई। हमारा टाइम हो गया चलने का, 1 घंटा हो गया हमें यहाँ घूमते फिरते, बहुत प्यारा मंदिर है, तो आओ और विज़िट करो यहाँ। तो भाई चलते हैं यहाँ से, अपना हो गया टाइम निकलने का। और ये पता वर्क इन प्रोग्रेस है, कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है सर, काम चल ही रहा है। और अभी इसमें रूम्स वगैरह भी मतलब बन गए हैं तैयार, अभी अच्छे तरीके से ऑफिशियली तैयार नहीं है, बस दर्शन कर सकते हैं। 15-16 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था, और यहाँ के क्या नाम है, अपने राजस्थान के CM साहब आए थे, उन्होंने उद्घाटन करा। बाकी मंदिर बहुत प्यारा भाई, आना और ज़रूर विज़िट करना, मेन रोड पर ही है, हाईवे पर ही यहाँ से मंदिर से। और टाइम हो गया कितना, 9:45। और भाई ये मेन हाईवे है जयपुर, और आपका पाली वाला जो माउंट आबू जाता डायरेक्ट, माउंट आबू वाले रास्ते पे ही है हाईवे चल रहा तगड़ा, मेन हाईवे ही है भाई ये। और यहाँ पे भी देखो भाई हनुमान जी और गाय, क्या ही तगड़ा गौशाला है भाई, गौशाला सही लग रहे भाई। टाइम हो गया 11। हाँ तो स्टॉप लिया हमने ब्रेकफास्ट के लिए 11 बजे, मतलब नॉन स्टॉप चलाई है मंदिर से, नॉन स्टॉप चली है यहाँ तक 55 किलोमीटर। ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर दे दिया, तो खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। सैंडविच आ चुकी है, और अपना डिस्टेंस कितना बचा रहा, 507 किलोमीटर। 9:56 यानी कि 10 बजे पहुँचाएंगे, और टाइम क्या हो रहा है, 11:14 नोएडा का डेस्टिन। अब यार मुझे नहीं लगता 12-1 बजे से पहले पहुंच पाएंगे, और अभी तो 12 ही बज जाएंगे यहाँ से उठने उठने में। हमें एक चाय भी आ रही है, सैंडविच भी खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। हांजी जो हांजी, 100 किलोमीटर अपने कंप्लीट हुए अभी भी, मतलब 2 घंटे में 100 किलोमीटर कंप्लीट हुए भाई। वैसे 2 घंटे में मैं 120 किलोमीटर कंप्लीट करते थे, पता नहीं आज 20 किलोमीटर कहाँ रह गए हमारे। बट भाई सामने का व्यू देख रहे हो, क्या ही तगड़ा आ रहा नज़ारा, कितना तगड़ा भाई। बाकी ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर हवा ही इतनी तेज़ चल रही है कि भाई ड्रोन उड़ ही नहीं पा रहा। कोई नहीं, अभी कहीं रुकेंगे तो फिर भाई उसके बाद उड़ाएंगे। 2 घंटे से बाइक पे ऐसी के ऐसे बैठे जैसे अब बैठे हैं।
मतलब बाइक को रोक के 2-4 मिनट के लिए आराम दिया है, ठंडी करी है, बट हम नहीं उतरे बाइक पे से। और जब से ऐसी के ऐसी बैठे 2 घंटे से बाइक पे, बस अभी 2 बजने वाले, 10 मिनट बाद तो फिर रुकेंगे 2 बजे। और भाई जस्ट अभी हमने अजमेर क्रॉस करा, अजमेर क्रॉस हो गया भाई, अब आएगा आगे जयपुर और किशनगढ़। पहले आएगा किशनगढ़, फिर आएगा जयपुर। किशनगढ़ के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा और जयपुर के लिए सीधा हाईवे हाईवे। तो बात ऐसी है भाई, घर जैसी है। 105 किलोमीटर बाद स्टॉप लिया है, 1-2 मिनट के लिए बीच में रोकी थी मतलब बाइक को आराम देने के लिए, और अब रोकी है भाई, मतलब अब अपने आप भी उतरे 2 घंटे बाद 2.25 घंटे बाद उतरे हम। और बाइक खड़ी कर दी यहाँ मैंने, और इसने यहाँ हम खड़े हैं रोड के बिल्कुल कोने में आके, बिल्कुल कोने में आके यहाँ बंदे मन की यहीं रुक जाओ फिर तो, इससे बढ़िया तो कोई भी नहीं अपनी शांति। और ये भाई सामने आ गया ब्रिज, जिसके लिए हम भिलवाड़ा मतलब चित्तौड़गढ़ के लिए उधर मुड़ गए थे, उधर से आते लेफ्ट हो गए थे, और यहाँ से सीधा सीधा ये जयपुर वाली रोड है। मतलब इस ब्रिज से पहले हम लेफ्ट हो गए थे, और लेफ्ट होके हम निकल गए थे अपना चित्तौड़गढ़ के लिए। ये आ गया वो वाला ब्रिज, यहाँ से चढ़ गए थे ऊपर अपने चित्तौड़गढ़ के लिए, और अब सीधा सीधा नो मैप की, कोई मैप की ज़रूरत नहीं है, भाई सेम वही रोड है जिससे आए थे उसी से वापसी जाना है। और हम जा रहे हैं भाई डायरेक्ट अपने घर, रात को अराइवल दिखा रहा है वैसे तो मैप 10 बजे, बट हमें पता है हम 12 बजे से पहले नहीं पहुंचने वाले, तो नॉन स्टॉप अपना पाली टू नोएडा लगा रहे हैं, जो कि 585 किलोमीटर था पाली से नोएडा। और उसमें हमने एक जगह एक्सप्लोर भी करी है, मंदिर वो ओम शेप वाला मंदिर जो हमने एक्सप्लोर करा वो भी, और नॉन स्टॉप हम अपने घर लगा देंगे। आजकल भाई BS6 अपनी गाड़ी चल रही है, BS6 की मतलब उसमें एड ब्लू की ज़रूरत पड़ती है ना, कुछ एड ब्लू करके कोई लिक्विड होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है अपने BS6 व्हीकल में, जैसे कार में, भाई बाइकों में नहीं है, कारों में है। बाइकों का देखो यार मुझे कंफर्म नहीं है, पर हाँ गाड़ियों में ज़रूर है, BS6 की गाड़ियों में, कि एड ब्लू चाहिए ही चाहिए। कुछ किलो 1000 किलोमीटर तक ही चलता है, कभी 1500 भी चलता है। तो भाई राजस्थान में ये चीज़ है, आपको राजस्थान में मतलब 2-3 किलोमीटर पे हर एड ब्लू वाला, जैसे ये खड़ा हर एड ब्लू वाला पेट्रोल पंप पे या किसी भी साइड में कोई होटल्स होंगे वहाँ पे आपको एड ब्लू मिल ही जाएगा, राजस्थान में तो मिल जाएगा भाई, जयपुर में नहीं, वहाँ गुजरात में नहीं है, गुजरात में बहुत कम ही जगह मिलेगा, बाकी राजस्थान फुल राजस्थान में पेट्रोल पंप्स हुए, टायर पंचर वाला हुआ, होटल्स हुए, और टाटा मोटर्स का कोई वो हुआ मतलब सर्विस सेंटर वगैरह वहाँ पे भी है। तो भाई आपको ये एड ब्लू ज़रूर मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली बहुत सदियों बाद 2.5 घंटे में हम पहुंच चुके हैं जयपुर, और जयपुर के लिए लेना हमें लेफ्ट 274 किलोमीटर, क्योंकि सीधा जाएंगे तो जयपुर सिटी में चले जाएंगे, और दिल्ली के लिए लेना हमें लेफ्ट, और दिल्ली यहाँ से 274 किलोमीटर, और आगरा जाना तो आगरा के लिए राइट, वो भी 274 किलोमीटर, और फिर 200 किलोमीटर वहाँ से मेरा नोएडा, तो ज़्यादा हो जाएगा। फाइनली भाई अपनी बाइक का एक्सीडेंट हुआ अभी, एक से मुंह भैंसा हो गई, ये देखो कैसे भी कोई भी कहीं से मोड़ रहा, मैं अच्छा खासा भाई सीधा हाईवे पे चल रहा था, और बीच में से यूटर्न मार रहा था, एक उधर से आ गई इधर यूटर्न, और मतलब बच गई, लगी नहीं, बट उसे जैसे उससे मैंने कहा कि मैंने देख के चला ले भाई, तो उल्टा ऐंठ के आने लगा, वो थे 2 और मैं हूँ अभी अकेला, क्योंकि प्रवेश रह गया बहुत पीछे। अब उसका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मैंने चला दी 100 किलोमीटर से भी ऊपर, मतलब भाई कोई भी यहाँ राजस्थान का आदमी कोई भी किधर से ही मोड़ दे रहा है। जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं वैसे? खाटू श्याम जी, जय हो खाटू श्याम जी।
भाई ये सारे पैदल पैदल खाटू श्याम जी जा रहे हैं। खाटू श्याम जी का हाँ रास्ता तो यहीं से है आगे रास्ता उसका, खाटू श्याम जी का ना पास ही है वैसे यहाँ से तो। 6 बजने वाले हैं और हमने स्टॉप किया था यहाँ पे जयपुर से निकल के, और यहाँ चाय मट्ठी फैन नमकीन बहुत, मट्ठी तो हमने 6 खा गए रही 6, क्योंकि भाई मट्ठी अच्छी लगी थी और फैन अपना और नमकीन वगैरह सब यहाँ। अभी जयपुर ने जयपुर क्रॉस करके हम रुके थे और भाई ये देखो अपना एक्सीडेंट हुआ था आज, एक गाड़ी वाले ने मार दी थी तो ये टूट चुका अपना, बाकी थोड़ी सी स्क्रैच ही है, ये मुझे टट गया, बाकी तो और कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी स्क्रैच ही आई है यहाँ पे, बस यही था। मतलब मेरे चोट फेट नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा मेरा, मैं ठीक हूँ। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कौन सा हाईवे पे, हम आ चुके हैं अपना गुड़गांव हाईवे पे, तो जयपुर टू गुड़गांव वाला हाईवे है ना, उस वाले पे आ चुके भाई, और टाइम हो गया 6:30, वहाँ से 6 बजे चले गए चाय पी के, आधे घंटे में आ गए मतलब यहाँ जयपुर सिटी क्रॉस करके। पर भाई कभी भी ऐसी रोड मिले ना, और ख़ासकर बाइक वालों को, तो भाई बाइक हमेशा साइड में चलाओ कम स्पीड में, क्योंकि अगर गिरोगे भी तो भाई अपने लेफ्ट या मतलब साइड में गिरोगे, अगर बीच में चलाओगे तो भाई दिक्कत तुम्हें होगी अगर बाई चांस, एंड देखो कभी भी गिर सकते हैं क्योंकि रोड होती लाइनिंग वाली, जो लाइन वाली जो रोड होती है ना इस पर गिरते बहुत जल्दी है बाइक वाले, खासकर गिरते हैं क्योंकि टायर इधर उधर मचलता रहता है, और बीच में चलाओगे तो भाई बीच में गिर गए ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई, पीछे से हाईवे पे दिक्कत हो जाती है बहुत, इसलिए कभी भी चलाओ तो साइड में चलाओ ऐसी वाली रोड में। ऐसी वाली में क्या भाई, आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, मैंने जितनी भी अभी तक बाइक राइड करी है ना, मतलब पूरा गुजरात जो घूम के आया हूँ या मैंने और कहीं भी राइड करी है लद्दाख वगैरह भी, मैंने हमेशा रोड के कोने में चलाई है बाइक, अगर अपन गिरेंगे भी ना, हम कहीं गिरेंगे भी तो भाई साइड में गिरेंगे, तो पीछे वाले दिक्कत ना हो, क्योंकि पीछे वाला पूरी स्पीड में आता है कहीं चढ़ जाए, इसलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ भाई। बाकी जैसी जिसको सेफ लगे भाई वैसे चलाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बट मैं रोड के बिल्कुल हमें साइड में चलाऊँ, और ज़्यादातर तो मैं रोड ये जो वाइट पट्टी है ना, वाइट पट्टी के अंदर ही चलाता हूँ हमेशा। हाईवे पे लाइट तो सब जगह लगी है भाई, पर चलती कोई सी नहीं है, दिल्ली गुड़गांव वाले हाईवे पे है, अभी देख लो हाईवे पे लाइट लगी हुई है भाई, अब पीछे भी बहुत लाइट लगी थी लेकिन जल कोई सी नहीं रही थी, पता नहीं क्या हाईवे ऐसी इवेंट में, और 2 साल भी पहले ये हाईवे ऐसे ही था और आज भी 2 साल बाद भी ऐसे ही है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, और टोल ये टाइम टू टाइम लेते हैं फिर, और कुछ ही देर में अभी भाई हम राजस्थान से एग्जिट करने वाले हैं और एंटर करने वाले हैं हरियाणा में, बस 5 से 10 किलोमीटर तक एग्जिट हो जाएंगे हरियाणा में से, राजस्थान में से, और एंटर कर जाएंगे मैं हरियाणा में। सो गाइस हरियाणा में घुसते ही कहाँ हैं, पेट्रोल पम्प के बराबर में ये बोर्ड आ रहा है भाई राजस्थान हरियाणा का, क्यों आए भाई, पेट्रोल हो गया बिल्कुल ख़त्म, घर तक नहीं पहुंच पाए, घर है अभी 130 किलोमीटर सॉरी हरियाणा है ना, 300 रुपये का, राजस्थान में 108, 109 ही हो रहा वो भी। हैं? कैमरा तुझे भी डलवाना, तो भाई हम फिर से द्वारका पहुंच चुके हैं, अरे भाई दिल्ली वाला द्वारका आ गया, और बस गुड़गांव में घुस चुके हैं, एंटर कर चुके हैं गुड़गांव में, और भाई को धौलकुआ तक छोड़ दे, फिर अपने हम निकलेंगे नोएडा, भाई निकलेगा अपना नारायणा, और वो
भाई साहब क्या ही बना दिया यहाँ। हाँ ओए होए, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भाई, क्या लाइटिंग कर रखी है तिरंगे वाली। ओए होए, चमक जगमगा रहा है तो जगमगा रहा है। तो भाई को ढोलक हुआ भाई कर देंगे भाई ढोलक हुआ। यहाँ से कितना रह रहा होगा, 15-20 के आसपास रहना है मेरे हिसाब से। तो भाई 20-25 कमेंट करके बताना फिर यहाँ से कितना रहना है ना। तो भाई दोनों बाइकें यहाँ खड़ी कर दी और रात के बज रहे हैं 12। तो फाइनल बाय बाय करते हैं भाई को, राइड यहीं समाप्त होती है हमारी दोनों की। कैसी लगी लॉन्ग राइड स्प्लेंडर पे, पहले तो ये बता दे भाई। मजा आ गया, कमर भी टूट गई पर मजा भी आ गया। पहली बार गया था स्प्लेंडर पे भाई, सोलो नहीं जा पाता ना, ये जा भी नहीं पाएगा सोलो। भाई 3500 पूरे कर दिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे भाई। देख मेरी चल गई 3065 और 200 वो, हाँ लगभग 3300 चल जाएगी मेरी। चलो ओके बाय बाय, ठीक है। 260 रुपये 65। बाय बाय। तो भाई बाय बाय कर दिया भाई को भी। अब अपना भी घर चलते हैं भाई, लगभग 30 किलोमीटर और चलना है अभी अपने को। 30 किलोमीटर यानी बहुत है अभी, 30 किलोमीटर बहुत होता है और चलना। और भाई ठंड इस कदर लग रही है कि कैसे ही बताऊं भाई, तिरंगा क्या लहरा रहा है। ओए है, और ठंड बहुत ही गंदी वाली ठंड लग रही है इस वक्त, बहुत ही गंदी वाली। मतलब मेरा वैसे ही कप कप आ रहा हूँ मैं बैठा बैठा, जब से राजस्थान में मतलब रात को एंटर हो गया ना राजस्थान में, जब से मुझे ठंडी ठंड लग रही है। मुझे नहीं पता था भाई इतनी ठंड लगी है, क्योंकि हम गर्मी वाली जगह गए थे तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर गर्मी वाला चल रहा था, लेकिन सुबह से ही ठंड हो रही थी। मैंने सोचा चलो दिन में कम होगी, दिन में भी कम हो गई थी थोड़ी बहुत 1-2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद जो ठंड लगी है भाई, मेरे दांत हिल रहा है, कैमरा भी हिल ही रहा होगा भाई, तुम दिख रहा होगा। क्या रेस लगा रहे हो भाई स्कूटी और वरना से। साढ़े 12 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने घर। ये खड़ी अपनी BM, ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये अपनी स्कूटी, ये दिल्ली नंबर है, बहुत पहले की है ना, पुरानी हो गई। और ये खड़ी अपनी स्प्लेंडर, लोड स्प्लेंडर। तो चारों व्हीकल अपने मिल चुके हैं काफ़ी टाइम बाद। 19,800 पे लेके गया था, 23,094 हो गई। तो यानी कि अपनी बाइक चल चुकी है 3300 किलोमीटर, 33 मतलब 6 किलोमीटर कम रह गया उसमें भी। और भाई 3500 से ऊपर जाती अगर हम रन ऑफ कर जाते। रन ऑफ कर्ज का हमारा कोई प्लान नहीं था, बट हमने रास्ते में प्लान करा था, रास्ते में ही कैंसिल कर दिया। कैंसिल नहीं करा, पोस्टपोन कर दिया वो प्लान, हम उसको फिर करेंगे, जल्दी ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना सपोर्ट दिखाया, जो जो आप पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे ना कि भाई 3500 कैसे हुआ, तो भाई ऐसे हुआ 3500, एक एस्टिमेट लेके चलते हैं। तो किसी को और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। बाकी भाई इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, रात के बज रहे 12:30, नींद आ रही है बहुत तगड़ी। सुबह चले थे हम सुबह चले थे 8:15 बजे और अब पहुँचा हूँ मैं 12:30 बजे। तो नॉन स्टॉप आए अपने घर और जयपुर से 6-6.5 घंटे में आ गए भाई जयपुर से। 6:15-6:30 बजे हम जयपुर थे और अब 12 बजे हम 12:30 बजे पहुँच गए 6.5 घंटे में स्प्लेंडर से। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी सीरीज़, कैसी लगी, कैसे लगे ब्लॉग्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। ड्रोन शॉट कैसे लगे, तो इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, सीरीज़ को यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट राइड पे, नेक्स्ट सीरीज़ में। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल मदर फादर। मिलते हैं एक अच्छे से नहीं
सुपर फ्रेश व्लॉग में, सुपर नई सीरीज में, नई राइड पे। और भाई मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं आ जा रहा हूँ। मम्मी का फ़ोन भी आया था रास्ते में, मम्मी पूछ रही कहाँ है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कल आएगा, कैसे काम आएगा। तो मैंने मम्मी को बोल दिया था नहीं मैं आऊँगा कल, तो मम्मी को सरप्राइज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो चलते ऊपर, फ़ोन खड़काता हूँ घर वालों को।